खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमको अपनी तारीख को बचाना भी है और इतनी ज्यादा गरीबी है कि हैदराबाद से दशहरा के वक्त ये जो कचरा जो आज तकलीफ का बाइस बना हुआ है, इसमें कई वजूहत हैं, उसका हम कोशिश कर रहे हैं, उसका जल्द से जल्द उसको साफ सफाई कराएंगे। उसमें एक वजह यह भी है कि दशहरा के त्योहार के लिए ड्राइवर अपने गांवों को गए तो वहां पर आरटीसी की बस चलाने के लिए उनको 200 रुपए बढ़ के दिए तो मां चले गए। नौकरियों की सख्त जरूरत है, गरीबी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, नरेंद्र मोदी को इसकी फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम को कोई फिक्र नहीं। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने कह दिया, बैंक से कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर कि जितने मजहबी और रूहानी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बैंक को कह रहे हैं उनको दो लोन आप। गरीब क्या करना मैडम, मजहबी रूहानी स्पिरिचुअल लोगों को दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दो, ये गरीब क्या करेगा? तो बोलेंगे पकौड़े की मंडी लगा ले। क्या बात है, ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? अगर कोई मजहबी रूहानी होगा तो क्या वो गरीब से बड़े हो जाएगा? चाहे किसी धर्म का होगा, मगर गरीब गरीब है। गरीब की पेट की आग को बुझाना हुकूमत का काम है, ये तुम्हारा दस्तूरी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी। अफसोस है, मगर पूरा देश राष्ट्रवाद के उसमें है। आज दारुसलाम पे लोग आए थे, मैंने उनसे कहा तुम जिम्मेदार हो, बोला तुम्हारी वजह से तुम मेरी मुखालिफत करते रहो मुझे फिक्र नहीं है, मगर ये तो देखो कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो जमीन सिसक रही है कहीं तुम गड़े में नहीं गिर जाओगे। तो आज वो कह रहे हैं कि हां जीएसटी का कलेक्शन इस महीने में भी 1,00,000 करोड़ नहीं हुआ, अब अल्लाह ही मालिक है क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि बड़े बुरे हालात से मुल्क गुजर रहा है, अपने पैसों को देख कर खर्चा करिए। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं और बीजेपी के पास कोई आइडिया नहीं है। जो कोई उनको बोल रहा है, इन्हें बोल रहे इन्हें एंटी नेशनल है, इन्हें धोखा दे रहा, इन्हें फुला दे रहा। अरे भाई, हुकूमत तुम्हारी 300 के ऊपर एमपी आपके, राज्यसभा में है आपके पास मेजॉरिटी, हर चीज आपकी है, तो फिर ये क्यों परेशानी हो रही है?